नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका को प्रारंभ करने का उद्देश्य यही है कि जो बुद्धिजीवी है, विज्ञानवादी है, इनको धर्म का महत्व पता चले और जो धर्म को मानने वाले हैं उनकी धर्म के ऊपर श्रद्धा बढ़े। इस उद्देश्य को लेकर हम ये धर्म विज्ञान का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने अलग अलग विषय समझ कर लिए। भारत की प्राचीन हिंदू संस्कृति कैसी थी, भारत की प्राचीन गुरुकुल शिक्षा परंपरा कैसे थी, हम अपने कितने प्रगत थे, तो इसके बारे में हमने सब यहाँ पर जानकर लिया। आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस धर्म विज्ञान की मालिका में समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए आज के इस मालिका को हम प्रारंभ करते हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आर्य और द्रविड़ भेद तथा आर्यन इन्वेशन थियरी कैसे झूठी है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। फिर से मेरे मन में एक प्रश्न आता है कार्तिक जी, जो मैक्स मुलर या ये यूरोपियन क्रिश्चियन देश आर्यन इन्वेशन थियरी रख रहे हैं, क्या वो ये धाड़स कर सकते हैं कि भारत में क्रिश्चियन इन्वेशन थियरी लिखकर कोई भारत का इतिहास लिखे, पुनर्लिखित कर? क्योंकि क्रिश्चियनिटी भारत में आने के पहले तो भारत में एक भी क्रिश्चियन नहीं था, एक भी चर्च नहीं था, यहाँ पे एक भी अंग्रेजी बोलने वाला नहीं था, एक भी पाश्चात्य संस्कृति का अनुयायी नहीं था। तो आज भारत की जो वर्तमान विकट और विकृत स्थिति है वो क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी का परिणाम है। ये क्रिश्चियन धर्म प्रसारों के अत्याचार, सभ्य भारतीयों को प्रताड़ित करना, उनको गुलाम बनाना, ये षड्यंत्र का भाग है। तो क्या वो क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी लिखकर भारत का इतिहास लिखना चाहते हैं? वो नहीं लिख रहे हैं। तो वो नहीं लिख रहे इसका मतलब वो अपनी बुराई नहीं करना चाहते हैं, परंतु भारत में भारतीय जनमानस को असंगठित करने के लिए उन्होंने ये झूठी आर्यन इन्वेजन थ्योरी लगाई है डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत। यह पहला तथ्य हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी जो बात है कि वेद या हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ ले, हमारे धर्म ग्रंथ में किसी भी प्रकार का आक्रमण करने के दृष्टि से कोई दिशा दर्शन या एक धार्मिक या वैचारिक अधिष्ठान हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं आता है। और जैसे मैंने राम और श्री कृष्ण का उदाहरण बताया, उन्होंने स्वसंरक्षा या अन्याय के विरोध में या आक्रांताओं के विरोध में कुछ युद्ध तो लड़े, मगर आक्रमण करके सत्ता अपनी प्रस्थापित नहीं किया। तो जिसका योग्य हकदार था उसको वहां पर सत्ता देकर भी अपने अपने क्षेत्र में वापस गए थे। तो हमारा जो सबसे पुराना ऋग्वेद है उसमें हमारे आर्य नाम की किसी जाति विशेष के या किसी सिंधु सभ्यता पर आक्रमण करने का कोई उल्लेख मिलता नहीं है। या ऋग्वेद या अन्य किसी हमारे धर्म ग्रंथ में किसी राजा या किसी शासक को आप किसी अन्य भूमि में, विदेशी राजा की भूमि पर आप आक्रमण करें, अपने राज्य का विस्तार करके अन्य राज्यों को अपने आप में मिलाए, ऐसे प्रोत्साहन देने वाला या ऐसा कोई आदेश देने वाला कोई संदर्भ हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं है। किसी प्रयाण का या आक्रमण का उल्लेख ना तो वेदों में है, ना तो उपनिषदों में है, ना तो अरण्यकों में है, ना दर्शन ग्रंथों या किसी पुराणों के ग्रंथों में हमको अभी तक मिला है। यहां तक कि न हमारी कोई धर्म गाथा है, ना धर्म संस्मरण है, किसी भी ऐसा विदेशी या अन्य देशों पर आक्रमण करो ऐसा कई संदर्भ धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। इसके उल्टा जो रोमन गाथाएं हैं उसमें पूर्व की दिशा से हुए प्रयाण की वो याद दिलाता है, और जोशुआ के पुस्तक में उनकी जो छुटी हुई मातृभूमि है उसके बारे में कुछ लिखाण की झलक जरूर मिलती है। यहूदी तालमुद में भी इसराइली लोगों को अपनी जमीन से
असीरियाई शासकों द्वारा बेदखल करने की और फिर दारा द्वारा पुनः अपने देश भेजने का उल्लेख स्पष्टता से आता है। अगर ऐसे कोई आक्रमण या यहां तक का प्रयाण या प्रवास भी हुआ होता तो चाहे वेद हो, पुराण हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, उपनिषद हो या दर्शन ग्रंथ हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो आदि ग्रंथों में ऐसे उल्लेख मिला ही होता, मगर वो कहीं मिलता नहीं है। ऋग्वेद के जिन शब्दों के आधार पर यूरोपीय और उनके अनुचर भारतीय सेक्युलरवादी जो विद्वान जो दिखाते हैं, उसका जो मूल अर्थ है वो कुछ और ही है। यह अर्थ हमारे जो पारंपरिक वैदिक शब्दकोश है उसे हम निरुक्त या अमरकोश इनसे मिलाना आवश्यक है। जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि को किसी प्रजाति का सेनापति कहना, ये वेदों के जो पारंपरिक अनुवाद भावना है उससे बहुत भिन्न है। जिस रूपक में यह बताया गया उस रूपक से उसका संबंध नहीं है, ऐसे ध्यान में आता है। और दूसरी बात है, अगर सही में आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता अगर नष्ट की होती और वहां पे जो द्रविड़ बसने वाले थे वो द्रविड़ अगर वहां से दक्षिण में स्थलांतर होते थे, तो द्रविड़ों ने अपने इतिहास में कहीं ना कहीं लिखा होता कि हम तो सिंधु घाटी में स्थित लोग थे, हमको तो आर्यों ने आक्रमण करके वहां से विस्थापित करके दक्षिण में भेजा है। मगर वर्तमान में जो दक्षिण भारत है वहां पर जो स्वयं को द्रविड़ कहने वाले जो वंशीय है उनके किसी लेखन में, उनके किसी इतिहास लेखन में या अन्य किसी साहित्य में ऐसा कोई उल्लेख हमें अभी तक नहीं मिला है कि वो ये स्पष्ट करता है कि द्रविड़ और आर्य अलग थे और आर्यों ने उनको वहां से हकाल कर दक्षिण में स्थानांतरित किया, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। और जो भी उल्लेख मिलता है वो मैक्स मुलर के इस सिद्धांत के बाद, उन्होंने षड्यंत्र के तहत ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी रखी थी और उन्होंने अपने जो कृत्रिम इतिहासकार निर्माण किए थे वो वामपंथी इतिहासकार निर्माण करे थे, तो मैक्स मुलर के थ्योरी के बाद ही ये जो लेखन मिलता है इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके पूर्व में ऐसे कोई तथ्य प्रमाण किसी साहित्य में न होने के कारण भारत ने कभी भी ये आर्यों ने ऐसा कुछ किया है, द्रविड़ आर्य ये कुछ अलग थे ऐसा कभी नहीं था, ये तथ्य साबित होता है। और इसलिए ये षड्यंत्र है, ये झूठा इतिहास है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के समर्थन में ये जो सबसे बड़ा वो एक तथ्य पेश करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय भाषा या यूरोप की भाषा उसमें साम्यता के कारण आर्य पश्चिमी से इधर आए हैं, ऐसे वो बताते हैं। परंतु भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा में भेद है, वो भेद कैसे है वो मूलभूत हमको भेद समझ कर लेने की आवश्यकता है। और भाषा की साम्यता का आधार लेकर ये थेरी का जो समर्थन कर रहे हैं वो कैसा झूठा और ऊपरी ऊपरी है, वो भी इससे हमें समझ कर ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। आर्यों को पश्चिमी सिद्ध करने हेतु आर्यों की भाषा और पश्चिमी भाषा के समरूपता के बारे में एक मिथक यानी एक झूठ बताया जाता है कि संस्कृत जो भाषा है आर्यों की और यूरोप की जो भाषा है उसमें समानताएं हैं। हालांकि ये तो बात हम मानते हैं कि कुछ शब्द एक जैसे है, लेकिन कुछ शब्द एक जैसे है परंतु हजारों शब्द जो दूर दूर तक है उसका एक दूसरे से कोई मेल नहीं है, तो अधिक शब्द तो ऐसे है कि जिसका मेल जोल ही नहीं है। तो अपवाद को नियम बनाना ये योग्य नहीं रहता है, अपवाद को अपवाद की तरह ही देखना चाहिए। मगर ये ब्रिटिशों की एक बड़ी पुरानी बात होती है ये क्रिश्चियनिटी की, उनके बारे में कहा जाता है कि दे डू इलीगल थिंग इन अ लीगल वे, वैसे किसी तथ्य को प्रमाण करने के लिए वो अपवाद का नियम करके सहारा लेते हैं। नियम को अपवाद होता है मगर अपवाद ये नियम हो नहीं सकता है। तो कुछ शब्द में साम्यता होने के कारण भाषा में साम्यता ऐसे कहना, ये अपवाद को नियम बनाने का जो उनका तंत्र है ये षड्यंत्र का ही भाग है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब दूसरी जो बात आती है भाषा की, तो भाषा का व्याकरण ही भाषा का जान होता है। तो व्याकरण में कितनी साम्यता है, कुछ शब्दों में साम्यता हो सकती है मगर व्याकरण में कितनी साम्यता है वो हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। और अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के व्याकरण में अत्यंत भिन्नता है,
कोई समानता उसमें दिखाई नहीं देती है। और इसके आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि भाषा समानता का ये जो सूत्र है वो एक तथाकथित अपवाद को नियम बनाकर षड्यंत्र का ही भाग है। अब व्याकरण के संदर्भ में हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो सहायक क्रियाओं का वाक्य का अंत में आना यह एक वैशिष्ट्य होता है। उदाहरण है, रहा है, था, होगा, हुआ, ये सब हिंदी की सहायक क्रियाएं हैं। इनके तमिल, बांग्ला या कन्नड़ अनुवाद भी है। तो इसके जो अनुवाद होते हैं उन वाक्यों के अंत में भी यही आते हैं, सहायक क्रियाएं अंत में आते हैं भारतीय भाषाओं में। लेकिन अंग्रेजी में जैसे एम, वॉज, वेयर, हैज आदि मुख्यतः अपने वाक्यों के मध्य में आते हैं। तो ये एक मूलभूत व्याकरण की दृष्टि से फर्क है। अब वाक्यों का जो विन्यास है, यानी संस्कृत साहित्य चाहे उत्तर हो या दक्षिण भारत के भाषाओं में हो, वाक्य का जो क्रम होता है, क्रम मतलब कर्ता, कर्म और क्रियामत, तो वाक्य रचना का ये जो क्रम होता है वो यूरोपीय भाषा से बहुत अलग है, चाहे दक्षिण का हो या उत्तर का हो, दोनों का। संस्कृत और उत्तर दक्षिण की सभी भारतीय भाषाओं में जब वाक्य लिखा जाता है तो उसमें अव्यय विभक्ति जो है वो संज्ञा के बाद आते हैं, लेकिन यूरोपीय भाषाओं में वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं। जैसे अंग्रेजी में जो उदाहरण देखेंगे तो फ्रॉम होम, ऑन द टेबल, बिफोर सनराइज, इस प्रकार की उनकी वाक्य रचना होती है। लेकिन हिंदी में घर से, टेबल पर, सूर्योदय से पहले, यानी एकदम उल्टा या विपरीत क्रम है, ये हमें यहाँ पर ध्यान में आ रहा है। ऐसे उत्तर से दक्षिण तक भारत की सभी भाषाओं में है, लेकिन यूरोप में ऐसा किसी भाषा में आपको नहीं दिखेगा, ना तो फारसी भाषा में भी ये आप देख पाएंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा का संबंध अधिक निकटता से सभी भारतीय भाषाओं से है, चाहे वो उत्तर की हो या दक्षिण से, परंतु यूरोपीय भाषाओं के साथ उसका जो साम्यता है या संबंध है वो कतई नहीं है। और जो कुछ है वो ऊपरी ऊपरी कुछ शब्दों के प्रचलन के लिए है, व्याकरण के हेतु तो वो अत्यंत विपरीत ही है। इस कारण आर्य पश्चिम से आए और उसके लिए जो भाषा का सिद्धांत देने का प्रयास हो रहा है वो अत्यंत झूठा है। और ये झूठे तथ्य के साथ, ये झूठा सिद्धांत, झूठे इतिहास के साथ वो जो भारत में प्रचलित कर रहे हैं, ये षड्यंत्र उजागर करता है। अब जो अगला सूत्र है, ये थ्योरी कैसे गलत है ये सिद्ध करने के लिए अभी जो अगला सूत्र है वो डीएनए संशोधन के संदर्भ में है। डीएनए के शोधों के द्वारा आर्यन इन्वेजन थ्योरी का झूठ अत्यंत प्रकर्षता से सामने आया है। और सिंधु सभ्यता के लोग वे स्वयं ही आर्य थे यह सिद्ध हो गया। फिनलैंड के तार्तु विश्वविद्यालय, एस्टोनिया में जो भारतीयों के डीएनए गुणसूत्र पर आधारित एक अनुसंधान हुआ था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर कीवीसील्ड के निर्देशन में, एस्टोनिया स्थित एस्टोनियन बायोसेंटर के तार्तु विश्वविद्यालय के शोध छात्र श्री ज्ञानेश्वर चौबे ने अपने अनुसंधान में यह सिद्ध किया है कि सारे भारतीय वासी, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, चाहे किसी भी पंथ या किसी भी उपासना या किसी भी धर्म से निगड़ित हो, इन सब का जीन्स यानी गुणसूत्रों के आधार पर वे सभी एक ही पूर्वजों के संतान हैं। उनमें आर्य या द्रविड़ ऐसा कोई भेद जेनेटिकली नहीं है, गुणसूत्रों का कोई आधार इस भेद को मिलता नहीं है, यह उनके विश्वविद्यालय के संशोधन में उन्होंने प्रमाणित किया है। इस शोध कार्य में वर्तमान का जो भारत है या तात्कालिक भारत जब पाकिस्तान बांग्लादेश से युक्त था,
या पुरातन काल में जैसे श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये सब भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही होते थे, तो इन सभी देशों की जनसंख्या में विद्यमान लगभग सभी जातियां, सभी उपजातियां, सभी जनजातियां, इसमें से 13,000 नमूनों के परीक्षण किए गए और उस परीक्षण के परिणामों का इसके लिए उपयोग किया गया और इस नमूने के परीक्षण से जो प्राप्त परिणाम थे उनकी यथायोग्य तुलना की गई और मध्य एशिया, यूरोप और चीन, जापान आदि देशों में रहने वाले मानव नस्लों के गुणसूत्रों के साथ एक उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया और इस तुलना में पाया गया कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी धर्म पंथ उपासना के हो, वो मानने वाले हो, 99% जो है वो समान पूर्वजों की संतानें हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भारत में जो ये आर्य द्रविड़ ये कृत्रिम विवाद निर्माण किया गया, ये अत्यंत व्यर्थ विवाद है और ये जो ईसाई इन्वेजन थ्योरी का ये डिवाइड एंड रूल वाला जो ये षड्यंत्र है वो उसको उजागर करता है। अब ये उत्तर और दक्षिण के जो भारतीय है वो सभी एक ही पूर्वजों के संतान है, ये जेनेटिक स्टडीज में यानी जीन्स की जो अभ्यास हुआ है उसमें तो साबित हो चुका है। अमेरिका में हार्वर्ड के जो विशेषज्ञ और भारत के जो विश्लेषक है उन्होंने भारत की जो प्राचीन जनसंख्या के जीनों के बारे में जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के बाद उन्होंने पाया है कि सभी भारतीयों के बीच में एक अनुवांशिक संबंध है। इस शोध से जो जुड़े सीसीएमबी अर्थात सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के जो पूर्व निदेशक थे लालजी सिंह, उन्होंने यही बताया है कि इस शोध के नतीजे के बाद इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि ये शोध वर्तमान ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसके षड्यंत्र को पूर्णतः उजागर करता है, ये झूठी इतिहास को वो कचरे के पेटी में डालता है और नए इतिहास लेखन की आवश्यकता को प्रतिपादित करता है। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के वर्तमान जो काले अंग्रेजों से पोषित सरकारें चल रही है या यहाँ की ब्यूरोक्रेसी चल रही है या शिक्षाविदों का या शिक्षा अभ्यासक्रमों का जो नियंत्रण है वो इस बात को स्वीकार कर इतिहास पुनर्लेखन करके सत्य इतिहास रखने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं है। ये हमारे भारतीयों का दुर्भाग्य है। हमने उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच में कोई अंतर नहीं हमें ये देख लिया है और सीसीएमबी के जो वरिष्ठ विश्लेषक कुमार समय थंगराजन उनका ये मानना है कि आर्य और द्रविड़ सिद्धांतों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। इस शोध में भारत के 13 राज्यों के 25 विभिन्न जाति समूहों से जो 132 व्यक्तियों के जीन मिले थे उसका 5 लाख अनुवांशिक जो मार्कर्स थे, जेनेटिक मार्कर्स है, उसका उसमें विश्लेषण किया गया था और इन सभी लोगों को जो पारंपरिक रूप से 6 अलग-अलग भाषा परिवार हो, ऊंच नीच जाति हो या आदिवासी समूह हो, इन सबसे इन जीनों को लिया था। उनके बीच साझे अनुवांशिक जो संबंध इस अध्ययन ने साबित किया है उससे भारतीय समाज की जो रचना है उसमें जातियों और कबीलों या अथवा जो कुछ आदिवासी थे उनके बीच में कोई अंतर या विभाजन नहीं कर सकते ऐसे सिद्ध होता है, क्योंकि उनके बीच में जो जीनों की यह समानता है वह यह स्पष्टता से बताती है कि ये सभी एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ये ईसाइयों ने ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी रखकर भारत को असंगठित करने का प्रयास किया है, तो उन्होंने ही बनाए हुए आधुनिक विज्ञान ने, उस आधुनिक विज्ञान के जेनेटिक स्टडी ने उनके ही थ्योरी को कचरे के पेटी में डालने के लिए बाध्य किया है। मगर ये हमारे भारतीय राज्यकर्ता, हमारे प्रशासकीय अधिकारी इनको समझ में आने की आवश्यकता है और वो जब इस तथ्य को लेकर पुनर्लेखन करेंगे और सच्चा इतिहास और सच्चा अभ्यासक्रम पाठ्य पुस्तकों से सिखाएंगे तो
तो मुझे लगता है परत भारत में गौरवशाली परंपरा स्थापित होगी। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, हाल ही में ऐसा ही हुआ कि हरियाणा के राखी गढ़ी में जब खुदाई की गई और वहाँ से जो कंकाल मिले, तो उस कंकाल का जो डीएनए संशोधन किया गया, तो इसी प्रकार से पाया गया कि आर्यन आक्रमण सिद्धांत तो है, ये पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। तो इसके बारे में भी आप हमें सभी को विस्तृत रूप से बताएं। जी कार्ति जी, मतलब इतिहास के तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना तो पूर्वग्रह के आधार पर। और इतिहास ये जो राज करने वाले हैं या युद्ध में जीतते हैं वो लिखते हैं, और वो अपने सुविधा अनुसार लिखते हैं। लेकिन हमारे जो देश का इतिहास है वो हमारे धर्म संस्कृति परंपरा के संबंधी जो पूर्वग्रहों हैं उनके अनुसार, ये जो ब्रिटिश थे जो क्रिश्चियन इन्वेजन के माध्यम से भारत आए थे, उन्होंने अपने सुविधा अनुसार लिखकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लगा कर अपना राज्य भी रहे और धर्मांतरण की भी सुविधा रहे। यह दोनों बातों को, हितों को देखकर उन्होंने लिखा था। आजादी से पहले अंग्रेजों ने यह झूठा इतिहास लिखने की शुरुआत की थी, जो आज भी लॉर्ड मैकेले से प्रभावित है। इतिहासकार और पत्रकारों में यही विचारधारा व्याप्त है, और ऐसे जो एक विकृत विचारधारा व्याप्त है उसमें से यह आर्य आक्रमण का सिद्धांत था। भारतीय इतिहास में करीब करीब 100 वर्ष तक यही पढ़ाया गया कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, वे आधुनिक यूरोप या मध्य एशिया से भारत की तरफ स्थानांतरित होकर आए थे। यहां पर उन्होंने आक्रमण किया था। उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये जो सिंधु घाटी संस्कृति उन पर आक्रमण किया था, यहाँ के लोगों को मार भगाया था और उनकी जो उस समय की नागरी सभ्यता थी उसको नष्ट किया था, क्योंकि ये घुमक्कड़ लोग थे। इसे आर्यों ने भारत पर हमले के नाम से, यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से अलग अध्याय स्कूली किताबों में निरंतर पढ़ाया जाने लगा। लेकिन 5 सितंबर 2019 को आधिकारिक रूप में इस सिद्धांत को अप्रासंगिक करार दिया गया, क्योंकि हरियाणा के राखीगढ़ में जो कंकाल मिले थे, उन कंकालों से जो मिले डीएनए सैंपल थे, उससे यही पता चला कि आक्रमण, आर्य आक्रमण का यह सिद्धांत तो ये झूठ है, और आर्य बाहर से आए थे यह भी सिद्धांत तो झूठ है। तो दोनों बातें इसी में स्पष्ट होती है। राखीगढ़ यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दृश्यवती नदी जो है उसके शुष्क क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। राखीगढ़ यह सिंधु सभ्यता का भारतीय क्षेत्रों में धोलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है, जो उत्खनन में हमने पाया है। राखीगढ़ से हड़प्पा के प्रारंभिक एवं परिपक्व हड़प्पा युग, इन दोनों कालों के प्रत्यक्ष प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अमेरिकी साइंटिफिक जनरल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो सेल नाम का उनका जनरल था, उसमें सरस्वती सभ्यता के मानव का जीन पश्चिमी विदेशी लोगों के जीन से नहीं मिलता है, यह इस अभ्यास में सिद्ध हुआ था। पुणे के डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के जो प्रोफेसर है वसंत शिंदे जी, उनके अगुवाई वाले टीम ने 2015 में राखी गढ़ी के मिट्टी के टीलों को खुदवाना शुरू किया था। बस्ती से करीब 1 किलोमीटर दूर 4,500 वर्ष पुराने कुछ कंकाल उसमें मिले। वैज्ञानिकों ने राखीगढ़ में मिले इस नरकंकालों के अवशेषों का डीएनए टेस्ट करवाया, और डीएनए टेस्ट से यह पता चला कि विदेशी जो लोग थे उनके डीएनए से यहाँ के कंकालों के डीएनए मिल नहीं रहे थे, तो पश्चिमी विदेशी लोगों के डीएनए से इन कंकालों के डीएनए का मेलजोल न होने के कारण आर्य बाहर पश्चिमी क्षेत्र से आए, यह जो उन्होंने सिद्धांत रखा था वो वहां पर निरस्त हुआ है। और इससे आर्य के बाहर से आने की जो थ्योरी है वही मूलतः गलत साबित हो गई है। इसके अलावा
यह भी उसमें कहा गया है कि शिकार करना, खेती करना या पशुपालन करना, ये भारत के मूल निवासियों ने सीखा था। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली जो टीम के प्रमुख प्रोफेसर वसंत शिंदे ने इकोनॉमिक टाइम्स में यह कहा है कि इन पेपर्स में इस तरफ इशारा जा रहा है कि आर्यों के हमले और वे विदेश से आए, यह दोनों जो दावे हैं वो ये अभ्यास है वो निरस्त करता है। इसके अलावा उन्होंने यह साफ कह दिया था कि शिकार संग्रह से जो आधुनिक समय में सभी विकास यहाँ के लोगों ने खुद नहीं किए थे, यानी यहाँ के लोगों ने जो पश्चिमी लोगों से सीखा है ऐसे जो दावा किया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो शिकार इत्यादि जो सब ये थे वो उन्होंने कृषि इत्यादि सब यही स्वयं ने खुद से सीखे थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग इस विशाल भूखंड के मूल निवासी थे, इन्होंने ही वेदों और उपनिषदों की रचना किया। अब यहां पर वो तथ्य आता है, जो वेदों के संस्कृति से अलग दिखाने का प्रयास चल रहा था, आर्यों से अलग दिखाने का प्रयास कर रहा था, तो ये अभ्यास में यह तथ्य सामने आया कि इन्होंने ही वेदों और उपनिषदों की रचना किया है। जिन्हें इतिहास में आर्य जाति कहा जाता है वे भी यही लोग थे, सिंधु घाटी के ही लोग थे, यही से लोग मध्य एशिया की ओर गए थे। जो दावा किया जाता है कि पश्चिमी और मध्य एशिया से भारत में आर्य आए थे, उसका उल्टा सिंधु घाटी से, यही से लोग सिंधु घाटी के बाहर मध्य एशिया या पश्चिमी की ओर गए थे, यह इससे प्रमाणित होता है। बिल्कुल ये सिद्धांत का जो षड्यंत्र है वो यहां पर उजागर होता है। रिपोर्ट में तीन बिंदुओं को मुख्य रूप से उन्होंने दर्शाया प्रोफेसर वसंत शिंदे की रिपोर्ट में। पहला, प्राप्त कंकाल उन लोगों से ताल्लुक रखता था जो दक्षिण एशियाई लोगों का हिस्सा थे। दूसरा, 12,000 साल में एशिया में एक ही जीन रहा, भारत में जब विदेशियों के आने की बाद या विदेशी आने की वजह से जीन में मिक्सिंग होती रही, तो एक प्रकार से आर्य इन्वेजन थ्योरी नहीं है, ये इस्लामिक इन्वेजन थ्योरी या क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी है, ये इससे सिद्ध होता है। तीसरी, भारत में खेती करना और पशुपालन करने के जो लोग हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, तो वो स्थानिक ही थे, और हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्यन बाहर से आए होते तो अपनी संस्कृति साथ लाए। हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर आर्य बाहर से आए होते तो वो अपनी संस्कृति साथ लेकर आते थे। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भारत में कई इतिहासकारों ने बढ़ चढ़ाकर बढ़ावा दिया, जिसमें वैदिक प्रथाओं को एक विदेशी प्रथा के रूप में स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया था, जो कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत हो रहा था। इस सिद्धांत का उपयोग आधुनिक भारत में राजनीतिक दलों द्वारा उत्तर बनाम दक्षिण ऐसे विभाजन के लिए उसका उपयोग किया गया, जिसके कारण अपनी वोट बैंक हो या अपनी सत्ता आबादित रहे, इसके लिए ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उपयोग किया गया। ये भारतीय का मूल दुर्दैव है। जो राजनीतिक पार्टियां या जो पॉलिटिकल पार्टी देश के मूल निवासी ये स्पष्टता से द्रविड़ है, और विदेशी आर्य भारत में आकर वो उत्तर भारत में बसे थे, इस रूप में दिखाने का जो प्रयास कर रहे थे, इसमें डीएमके हो या अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियां हो, इन्होंने आजादी के बाद के अनेक दशकों में अपने क्षेत्रवादी राजनीतिक पार्टी का सत्ता का समीकरण बनाने हेतु लोगों को बांटना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाना और अपनी सत्ता आबादित रखने का प्रयास और षड्यंत्र किया है, इसके भी प्रमाण हम देख रहे हैं। लेकिन राखी गढ़ी के इस रिसर्च से यही पता चलता है कि सिंधु सरस्वती घाटी की जो सभ्यता है और अभी जो ये क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन सभी का जीन एक ही है। पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर वसंत शिंदे ने अपने शोध के निष्कर्ष में यही कहा है कि हमारे पूरे अध्ययन के दौरान
सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो कंकाल की हमने जांच की है, इस अध्ययन में भारतीय प्रायद्वीप में जो फैले हुए, चाहे किसानों हो या दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारतीय हो, चाहे छोटी बड़ी जाति के हो या जंगल या आदिवासी क्षेत्र के हो, जिससे यह पता चलता है कि भारत के किसान हो या ईरान के किसान हो, उनके संदर्भ में कोई समानता नहीं है। इसके साथ ही इस अध्ययन से दक्षिण एशिया में रह रहे लोगों के पूर्वज के बारे में भी पता लग चुका है, पता चला है। परंतु दुर्भाग्य की बात यही है कि इतना सब सिद्ध होने के पश्चात भी भारत तथा यूरोप के इतिहास अध्ययन में अभी भी यह सिद्धांत झूठा है, यह बताया नहीं जाता है। तो वारंवार बदलाव किए जाने के बाद भी, वारंवार इस काल्पनिक सिद्धांत झूठे इतिहास को आगे बढ़ाने के बाद भी, उसके समय समय पर झूठा होने के तथ्य मिलने के बाद भी, अभी भी इस सिद्धांत को झूठा मानने के लिए भारत तथा यूरोप के तथाकथित दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, इतिहासकार अभी तैयार नहीं है। आज भी द्रविड़ियन राजनीतिक पार्टियां इस झूठे सिद्धांत का उपयोग करके अपनी राजनीति करके अपने सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। अब तो वह आर्य को भारत के बाहर करने की मांग लेकर नए अभियान छेड़ रहे हैं तथा संविधान के 8वें परिशिष्ट में जो परिगणित भारतीय भाषाओं की सूची है, उस भारतीय भाषाओं में से संस्कृत को हटाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। भारत सरकार को अब इस झूठे सिद्धांत को प्रचारित करने पर बंदी लाना चाहिए। ये जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर उत्खनन में जो तथ्य मिले हैं, उसके साथ जो जेनेटिक स्टडी में भारतीय उपखंड के सभी लोगों का जीन्स एक ही है, यह सिद्ध हो रहा है, तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूर्णतः निरस्त होती है। अपितु मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में आर्यन इन्वेजन तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि सबका डीएनए एक था। परंतु वर्तमान में जो धर्मांतरित मुस्लिम है, धर्मांतरित ईसाई है, या भारत में जो अभी चर्च संस्कृति हो या मस्जिद या दरगे की संस्कृति बढ़ रही है, या वर्तमान में जो भारत का पाश्चात्यकरण हो रहा है या भारत का जो इस्लामीकरण हो रहा है, ये पूरे षड्यंत्र के पीछे क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी और इस्लामिक इन्वेजन थ्योरी है। ये नए थ्योरी को भारत में प्रस्तापित करके भारतीय जनता को किस तरह से ये इस्लामिक आक्रांताओं ने और क्रिश्चियन आक्रांताओं ने प्रताड़ित किया है, उनको धर्मांतरित किया है, उनकी मूल संस्कृति मूल परंपराओं को नष्ट करके अपनी ईसाई संस्कृति और ईसाई परंपरा या क्रिश्चियन संस्कृति या इस्लामी संस्कृति या इस्लामी परंपरा को स्थापित करने की प्रयास किया, तो ये सबसे बड़ा नरसंहार, वंश विच्छेद या ये भारतीय जनमानस पर, चाहे वो आप द्रविड़ को या आर्य को, ये दोनों एक ही है, इन पर ये बड़ा आक्रमण ईसाई या इस्लामी आक्रमण है। यह नई थ्योरी रखकर इतिहास का पुनर्लेखन होने की आवश्यकता है और यह आक्रांताओं का इतिहास नए परिप्रेक्ष्य में पढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। हम सबको यह मांग वर्तमान सरकार के पास करनी होगी, इतिहास का पुनर्लेखन करो, इस्लामिक इन्वेजन थ्योरी के बारे में वस्तुस्थिति समाज के सामने रखे, ये जो ईसाई इन्वेजन थ्योरी को वस्तुस्थिति जो है वो समाज के सामने रखे, और इसके ऊपर योग्य उपाय योजना करके भारत का जो गौरवशाली सच्चा इतिहास है, स्वाभिमान निर्माण करने वाला इतिहास है, उसको दोबारा सिखाया जाए, ऐसी मांग हम सभी ने करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं सभी को आह्वान करना चाहूंगा कि आओ हम संगठित हो, अपने संगठित शक्ति का प्रदर्शन करें, हम सरकार और ये जो शिक्षा या अभ्यासक्रम बनाने वाले जो इतिहासकार है या शिक्षाविद है, उन पर दबाव बने कि हमें सच्चा योग्य इतिहास पढ़ाए, हमारा गौरवशाली इतिहास पढ़ाए, हमारे भारतीय जनमानस में एक स्वाभिमान की वृत्ति को जागृत करें और पुनश्च भारत को विश्वगुरु बनाने की दृष्टि से ये सरकार कदम उठाए, ऐसे हम आह्वान करना चाहते। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो महत्वपूर्ण सूत्र आज हमारे सामने रखे हैं, तो इससे ये बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि आर्यन आक्रमण सिद्धांत किस प्रकार से गलत है और किस प्रकार से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और भारतीयों में भेद करने का एक प्रयास किया जा रहा है।
तो ये हमें स्पष्ट हो गया, ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक हमें पहुंचानी चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए और एक अच्छी तरह से ये शिक्षा पद्धति में भी हमारे अंदर वो डाल देना चाहिए। यह आपकी बातों से हमें स्पष्ट हुआ और इसके लिए हमें संगठित रूप से प्रयास करने होंगे, प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंचानी होगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो धर्म विज्ञान का ये जो मालिका में आज हमने जो विषय लिया था, आर्यन इन्वेजन थियरी, तो ये अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में आप जानकारी पहुंचाएं, ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और इसके बारे में जागृति लाएं। मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी का यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आज आप ही के कारण हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिली है। इसी के साथ आज का इस धर्म विज्ञान की इस मालिका को अभी हम यहीं पर रोक रहे हैं। मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, यदि आपके मन में ये विषय सुनते समय कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स पर हमें लिख कर दे सकते हैं। आपके शंकाओं का समाधान करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।